तो हजरत अब नेक्स्ट जो सवाल है वो है कि नमाज की शराइत और फराइज क्या क्या है। नमाज की शराइत और फराइज, क्योंकि इसके बगैर नमाज ही नहीं होती है, तो ज़रूरी है इसका जानना। शराइत नमाज, इसको कि नमाज से पहले ही पाया जाना ज़रूरी है, इनको शर्त कहते हैं। और जो भी नमाज शुरू हो जाती है उसके बाद जो चीज़ पाई जाए वो उसको फर्ज कहते हैं, फराइज में से है। तो शराइत नमाज बाज़ किताबों में 5 शुमार किया है, लेकिन हमारे सदर शरिया ने अपनी किताब बाहर शरीयत में 6 का शुमार किया है। उसमें से नंबर 1 है तहारत। तहारत का मतलब यह है कि मुकम्मल तहारत पे होना, नमाजी का बदन गुस्ल के साथ होना और बावजू होना, और उसका कपड़ा भी मुकम्मल तौर पे पाक होना, जिस जगह पे नमाज अदा कर रहा है उस जगह का भी पाक होना। दूसरे नंबर पे है सतरे औरत, यानी जितना छुपाना फ़र्ज है सतर का, जितना छुपाना फ़र्ज है उस कदर सतर का होना शर्त है। जैसे मर्दों के लिए नाप से लेकर के घुटने के नीचे तक, और औरतों के लिए सिवाय चेहरा, हथेलियों और कदम के पूरा बदन का छुपाना फ़र्ज है। ये चीज़ है फ़राइज़ में से मर्दों के लिए नाप से लेकर घुटने तक, लेकिन अगर ये नहायत ही मजबूरी की हालत में है कि हर हाल में छुपाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मुकम्मल तौर पे कपड़े का इंतज़ाम है तो अब उससे ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अल्लाह की बारगाह में आप हाजिर हो रहे हैं, तो इस तरह से हाजिर हों कि बिल्कुल अदब के साथ मुकम्मल बदन आपका ढका हुआ हो, अच्छे लिबास हों। उसमें तफसील में अगर मैं जाऊँ तो बहुत ज़्यादा शामिल बता रहा हूँ। तो तीसरे नंबर पर है इस्तिक़बाले क़िबला। इस्तिक़बाले क़िबला का मतलब ये है कि नमाजी का रुख काबे की जाती है, क़िबला की तरफ होना, हमारे यहाँ से इस सिम तो पड़ता है क़िबला, उस तरफ में रुख होना। चौथे नंबर पे है वक्त, यानी जिस वक्त की नमाज अदा कर रहा है उस नमाज का वक्त होना। पांचवे नंबर पे है नियत। नियत मतलब यह है कि जिस नमाज को वो अदा कर रहा है उसका मुकम्मल इरादा होना दिल में, है ना, जिस नमाज के लिए वो जा रहा है। अगर उससे पूछा जाए कि तुम कौन सी नमाज अदा करने जा रहे हो तो वो बगैर सोचे समझे कर सकता है। और छठे नंबर पे है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा का मतलब ये है कि अल्लाह अकबर के सामने नमाज शुरू करना। ये 6 चीज़ें हम भी नमाज के शराइत में से, और फ़राइज़ में से भी 7 चीज़ें हैं। फ़राइज़ में 7 चीज़ें हैं जिनमें से सबसे पहले नंबर पे है तकबीर तहरीमा। तो तकबीर तहरीमा अगरचे शराइत में भी है और फ़राइज़ में भी है, लेकिन असल में ये नमाज की शराइत ही में से है, लेकिन चूँकि नमाज से इसको इतना कुर्ब हासिल है, इस कदर नमाज से इत्तेसाल है कि इसको फ़राइज़ में भी शामिल कर दिया गया है, इसीलिए फ़राइज़ में शुमार किया जाता है। दूसरे नंबर पे है क़याम। क़याम का मतलब यह है कि जिस कदर खड़ा होना फ़र्ज़ है उतना खड़ा होना, मतलब यह है कि सीधा खड़ा हो इस कदर उसको नमाज के लिए मुकम्मल तौर पर सीधा खड़ा होना। तीसरे नंबर पर है क़िरात। क़िरात का मतलब यह है कि जिस कदर नमाज में क़िरात को फ़र्ज करार दिया गया है उस कदर क़िरात का पाया जाना। चौथे नंबर पे है रुकू। रुकू इस कदर से झुकना कि हाथ को बगैर किसी तकल्लुफ़ के घुटने तक पहुंच जाए, इस कदर झुकना फ़र्ज है, लेकिन मुकम्मल तौर पे इस तरह से रुकू करना कि पीठ बिल्कुल सीधी हो जाए और सर उसके लेवल में हो, और कमर से लेकर के सर तक मुकम्मल बराबरी हो, कि इस तरह से कि यहाँ तक अगर एक गिलास का पानी रख दिया जाए पीठ पे तो वो बासानी रखा जा सके, गिरे नहीं, इस तरह यह है सही रुकू का मतलब। पाँचवें नंबर पे है सजदा। सजदा इस तरह से अदा करना कि उसमें इत्मीनान और सुकून हो जाए। छठे नंबर पे है कादाए अखीरा, मतलब यह है कि नमाज के आखिरी तहियात में इतनी देर तक बैठना जितनी देर में वो तहियात को अब्दुहु व रसूलुहु तक आराम से पढ़ सकते हैं। सातवें नंबर पे है फुरूज बेसुन वही। इसका मतलब यह है नमाज को अपने इरादे से ख़त्म करना, अपने इरादे से ख़त्म करना, ये नहीं कि नमाज पढ़ रहे हैं किसी ने आवाज़ दिया नमाज ख़त्म कर दी, इस तरह नहीं, नमाज को मुकम्मल करना अपने इरादे से। ये दोनों शराइत नमाज और फराइज नमाज, जिसके बगैर नमाज ही नहीं है। माशाल्लाह, बहुत ही तफसीली आप जवाब दर्ज फरमाएं।